हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय नेहा राजा 1111। सो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 डेज में आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस और एनर्जीज रहने वाली हैं आपके प्रति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। सो डू शेयर मी योर फीडबैक देयर एंड कमेंट में भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम या ईमेल पे रिकनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ ऑल द डिटेल्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट 5 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ऑलराइट एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की नेक्स्ट 5 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या इंटेंशंस रहने वाले हैं, प्लीज़ गाइड एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एस ऑफ कप्स, द स्टार। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। इसी बात पे क्लेम कर लें इस रीडिंग को कमेंट करके। कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम द रीडिंग। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, 4 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर नेक्स्ट 5 डेज में बहुत सारे पास्ट के मेमोरीज में जाने वाले हैं, पास्ट को याद करने वाले हैं। पास्ट में उन्होंने जो गलतियाँ की हैं आपके साथ, आपको इग्नोर किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको निगलेक्ट किया है, आपके इमोशंस को उन्होंने नहीं समझा है। आप जितनी बार भी उनके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे थे बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी कर दी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। आपके अलावा उनके लाइफ में और भी बहुत लोग थे तो वो उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको निगलेक्ट किया। और ये 5 दिनों में ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा एक नाइटमेयर बन जाएगी, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 टफ फॉर देम एंड दीज 5 डेज इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर देम। इट इज़ गोइंग टू मेक देम फील लाइक दे लॉस्ट जेम ऑफ अ पर्सन लाइक यू। उनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिग्रेट होने वाला है, फील होने वाला है कि उन्होंने आपके जैसा इंसान खो दिया है। सो इट इज़ गोइंग टू बी बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर देम। नेक्स्ट 5 डेज उनके लिए बहुत ज़्यादा स्लीपलेस रहने वाले हैं, वो आपको एज अ विश फुलफिलमेंट की तरह देखेंगे कि आप एक उनकी विश फुलफिलमेंट थे जो उनके हाथ से जा चुका है, तो उसको पाने के लिए उनके अंदर एक होप जागेगी, उनके अंदर एक होप की आशा, कहते हैं ना, एक आशा जागेगी, एक होप का किरण जागेगा, एक लाइट अंदर से उनके आएगी कि नहीं, वो ऐसा फील करेंगे कि उनको एफर्ट्स डालने चाहिए आपसे रिकनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन आने वाली। उनका इंटेंशन नेक्स्ट 5 डेज में रहने वाला है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे मिलना, आपकी ओर ट्रैवल करना, आपसे मीटिंग फिक्स करना, आपको रीच आउट करना, आपको कॉल करना। अगर आपको कॉल नहीं आया तो बहुत जल्दी वो कॉल करेंगे। और जो भी फाइट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन्स उन्होंने आपकी लाइफ में डाले थे, अनक्लियर रखे थे, वो सारे कन्फ्यूजन्स वो अब आपके क्लियर करेंगे। जितने भी दोस्तों ने, जितने भी थर्ड पार्टीज़ ने आप दोनों के बीच में बैरियर क्रिएट किए थे, वो उस इंसान की सारी बातों को, उस थर्ड पार्टी की सारी बातों को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके अपने दिल की सुनना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 5 डेज में। नेक्स्ट 5 डेज आपकी लाइफ के बहुत मेजर होने वाले हैं। वाह वाह वाह, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, 2 ऑफ कप्स। वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करने वाले हैं जिसके कारण आप दोनों का रिकंसिलेशन होने वाला है नेक्स्ट 5 डेज में। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, क्लेम कर लें कमेंट करके और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, दिस वॉज सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, क्लेम इट गाइज, क्लेम इट।